हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आई ई यू की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन 1.16 तो ये सिक्सटीन क्वेश्चन होगा पंद्रह क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप सारे फिफ्टीन क्वेश्चन के सोल्यूशन के वीडियोज देख सकते हैं उसके अलावा आप क्लास इलेवन फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं उनके वीडियोज भी देख सकते हैं उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है चलिए क्वेश्चन वन डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है देखिए क्वेश्चन क्या कहता है

जो एट टीवल टू जीरो स्टार्टिंग में यानी कि जब वो शुरू कर रहे हैं मूव करना है, उसने यहां से चलना शुरू किया पार्टिकल वन ने और पार्टिकल टू ने इस पॉइंट से मूव करना शुरू किया स्टार्टिंग में जो उनके जो डिस्टेंस है किससे पॉइंट ओ से, से यानी कि पॉइंट ओ वो पॉइंट है जिस पॉइंट से दोनों होते हुए जाएंगे तो वो है पार्टिकल uh, वन का जो डिस्टेंस है वह एल वन और पार्टिकल टू का जो डिस्टेंस है वो है एल टू है, है ये आपको दिया गया है अब आपको बोला गया है कि हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम स्मॉलेस्ट अब देखिए जरूरी नहीं कि वो दोनों मिले लेकिन ये बोला जा रहा है कि कितनी जल्दी किस टाइम पे अब ये बोला जा रहा है कि जो पार्टिकल वन है वो वी वन से मूव कर रहा है पार्टिकल जो है है वो वी टू से मूव कर रहा है। तो अब कितनी जल्दी उन दोनों के बीच में कितने टाइम के बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा तो लेटेस्ट से मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन दम डिस्टेंस इज मिनिमम इज मिनिमम कब At time t. कौन से time पे? Time t. Time t पे 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 है, 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 तो distance लेते minimum होगा है, time t. तो मान मान लेते लेते होगा उस time t के बाद time t पे जो आ जाता करेक्ट एट टी और पार्टिकल टू जो है पॉइंट बी पे आ जाता है एट टाइम टी उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा वो इतना होगा अब पॉइंट ए से ध्यान से देखें यहां पे मान लेते हैं पहले उसकी जो पोजीशन थी वो पॉइंट पी पे था और ये पार्टिकल बी जो था वो पॉइंट क्यू पे था अब पी से ए तक आने में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है एल वन है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच में ए बी होगा तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू क्या होगा आपको ये बताना है कि हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को स्मॉल करना है स्मॉलेस्ट uh, किस टाइम पे होगा तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो तो यह क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा अब हम ए पता करते हैं तो ए आप देख सकते हो एज इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज डिस्टेंस पीओ पीओ माइनस डिस्टेंस पी ए आप लिख सकते हो अब डिस्टेंस पीओ जो है वो तो एल वन है उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस

बी uh, ओ होगा या ओबी जो होगा ओ इक्वल टू क्या होता है हो बोला तो गया किल टू है, कि ये L2 है minus, अब Q से लेके बी तक आने में उसको टाइम लगता है T और वेलोसिटी है उसकी वी तो V2 तो दैट इज V2 टू टू टी हमको क्या पता करना है यहाँ पे हमको T पता करना है और हमको ये पता करना है किस किस टाइम पे जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी स्मॉलेस्ट तो हम क्या करेंगे ए बी इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल वन माइनस वी वन इंटू टी का होल स्क्वाइनस वी टू इंटू टी का होल स्क्वायर अब दो चीजें पूछी गई कि उस टाइम कितने टाइम पे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा और वो डिस्टेंस होगा कितना तो वो डिस्टेंस ए बी के बराबर होगा मुझे अगर टी की वैल्यू पता चल गई तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लूंगा तो मुझे ए बी की भी वैल्यू मिल जाएगी तो चलिए पता करते हैं तो पहले हम टी की वैल्यू पता करते हैं कि, कि किस टाइम पे डिस्टेंस मिनिमम होगा चलिए अब यहां पे देखते हैं तो ये पता करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जब मिनिमम करना है तो ए बी जो डिस्टेंस है ए बी का जो डिस्टेंस है उसको चलो एक्स मान लेते हैं हम ताकि इजी हो जाए तो डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच का एक्स मान लेते हैं तो ए बी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स एक्स इज इक्वल टू इतना तो जो डीएक्स बाई डी टी होगा आपको पता है मिनिमम करना है तो डी एक्टी कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए तो इसका क्या हो जाता है स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का क्या हो जाता है पावर हाफ तो पावर हाफ टू इंटू एल वन वी वन एल वन माइनस वी वन वन का होल स्क्वायर और अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इंटू प्लस प्लस क्या हो जाएगा यहां पे एल टू माइनस वी टू इंटू टी का होल स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट या पावर आप इसको लिख सकते हो इन टू लेकिन इसके साथ साथ किसका किसकाशियन तो करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा L1 V1 T, और फिर से एल वन माइनस वी वन टी का भी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एल वन तो कॉन्स्टेंट है वो जीरो हो जाएगा और वी वन टी का क्या हो जाएगा केवल वी वन बचेगा क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा डी एक्स बाई डी सॉरी टी की रिस्पेक्ट में आप कर रहे यहां पे Dt कर लीजिएगा पे भी आ जाएगा क्यों आएगा प्लस आना चाहिए तो टू इन टू टी अच्छा और एल टू माइनस वी टू टी का फिर से करोगे तो एल टू का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा टी का वन डिफ्रेंशियन हो जाएगा माइनस वी टू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो, तो ये आपको मिल गया अच्छा अच्छा फॉर मिनिमम वैल्यू ध्यान रखना फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए क्या बताया मैंने कि की डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो तो मतलब क्या हो जाएगा जो ये माइनस है यहाँ पे ध्यान रखना माइनस वी वन तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस टू वी वन इंटू एल वन माइनस वी वन टी माइनस टू इंटू वी टू इंटू एल टू माइनस वी टू टी अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है वो तो उधर जाके जीरो हो जाएगा तो मैं सीधा लिख लेता हूं दैट विल बी इक्वल टू जीरो किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा आपको क्या पता करना है आपको टी पता करना है टी पता करना तो बड़ा सिंपल है टी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा टू, टू से कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड टू भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस वी वन एल वन प्लस वी वन का स्क्वायर इंटू टी माइनस वी टू इंटू एल टू प्लस वी टू स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से टी की वैल्यू आपको इजीली पता चल जाएगी तो टी कॉमन ले लीजिए इन दोनों से इन दोनों से आप टी कॉमन ले सकते हो तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा देखिए वी वन जो टी कॉमन ले लिया मैंने अगर इन दोनों दोनों से तो क्या हो जाएगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है इज इक्वल टू सबको दूसरी साइड कर लेते हैं तो क्या आ जा रहा है वी वन इंटू सॉरी यहाँ पे वी वन इंटू एल वन था तो दोनों दूसरी साइड लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाके एड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा वी वन इंटू एल वन प्लस वी टू एल टू ये मिल गया तो टाइम आपको इजीली मिल जा रहा है, T is equal to क्या हो जा रहा है से ये आपको क्या मिल गया टाइम मिल गया वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर अब आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम तो जो डिस्टेंस है x याद है जो डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया था डिस्टेंस x दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था डिस्टेंस x इक्वल टू वो कितना था दैट वाज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है दैट इज इक्वल टू कितना था स्क्वायर रूट ऑफ एल वन का होल स्क्वायर प्लस एल टू का होल स्क्वायर ये डिस्टेंस था तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे ये तो टी की वैल्यू आपको मिल चुकी है इस टी की वैल्यू में हम क्या करेंगे इस टी की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे और आपको डायरेक्ट डिस्टेंस एक्स मिल जाएगा चलिए पता करते हैं distance, टी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा आपको दैट इज इक्वल टू जो डिस्टेंस एक्स है वो कितना हो जाएगा दैट विल भी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अब जस्ट सॉल्व करना है आपको तो दैट इज स्क्वा हो जाएगा एल वन माइनस वी वन इंटू टी T की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पे T की वैल्यू पुट करनी है V1 L1 एल वन प्लस वी टू एल टू बाय वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर ध्यान रखना का होल स्क्वायर भी होगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे बीच में प्लस है L2 टू माइनस वी टू इंटू यहाँ पे देखिए V2 टू इंटू एल टी की वैल्यू पुट करेंगे फिर से तो V1 L1 वन एल वन अपॉन वी वन एल प्लस वी टू एल टू बाय वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर ये हो जाएगा तो पूरे का होल स्क्वायर ये हो जाएगा तो पूरे का स्क्वायर करेंगे हम तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये सिंपल हो गया यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो इधर मैं इसको रख देता हूं ताकि आपको इजी लगे तो ये क्या हो जाएगा इसको जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे एलसीएम ले लेते हैं तो होल स्क्वायर है तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा L1 वन यहाँ पे क्लियरली देखे यहां पे क्या हो जाएगा L1 वन वी वन स्क्वायर प्लस एल टू एल वन वी टू स्क् माइनस यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है ये V1 वन स्क्वायर इंटू एल है तो माइनस क्या हो जाएगा L1 वन वी वन स्क्वायर हो जाएगा L1 वन वी वन स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा V1 V2 L2 टू करेक्ट वी वन वी तो वी एल टू ये आप लिख सकते हो L2 टू एल टू इंटू वी वन वी वी वन वी टू तो यह वन वी टू करेक्ट इसका होल स्क्वायर आ रहा है करेक्ट प्लस देखिए अब अपॉन वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर तो ये एलसीएम में आ गया एलसीएम ले लेंगे दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है तो उसको दोनों का एलसीएम कॉमन ले लेंगे हम लोग प्लस ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे एल टू इंटू वी वन का स्क्वायर तो ये हो जा रहा है एल टू इंटू वी वन का स्क्वायर प्लस एल टू इंटू वी टू का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिये v1 v2 l1 टू एल वन तो एल वन इंटू वी वन वी टू लिख सकते हो आप स्क्वायर का होल स्क्वायर अच्छा अब दोनों के डिनोमिनेटर में दोनों के सेम है दैट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का होल स्क्वायर तो इसको आप स्क्वायर से हटा सकते हो तो दैट विल बी v1 वन प्लस वी का होल स्क्वायर तो और आप चाहो तो इसको स्क्वायर में रखो तो वी वन प्लस वी टू का होल इस तरीके से आ जाएगा ना यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एल वन वन l1 एल वन स्क्तू वी वन l2, V2, L, l2, V1 यहाँ l2 V2, l1 V2 नहीं यहाँ पे एल टू वी टू एल वन वी टू स्क्वायर जा रहे नहीं यहाँ पे एल टू था आ, तो यहाँ पे एल वन वी वन स्क्वायर माइनस एल वन वी स्क्वायर गया यहाँ पे क्या गया एल टू वी वन स्क्वायर तो यहाँ पे सॉरी यहां पे L2 था इसको करेक्ट कर लीजिए V2 L2 था ना तो इसको करेक्ट कीजिए आप तो यहां पे हो जाएगा L2 V2 स्क्वायर तो यहाँ पे L1 V1 स्क्वायर नहीं जाएगा बल्कि L2 V2 स्क्वायर जाएगा यानी कि L2 V2 स्क्वायर से L2 V2 स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या हो गया यहां पे L1 V2 स्क्वायर यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास L1 V2 स्क्वायर माइनस देखिए बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हो रही है L2 V1 V2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या बच रहा है हमारे पास यहां पे बच रहा है एल टू वी वन का स्क्वायर माइनस एल वन वी वन वी टू का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू का होल स्क्वायर वी वन प्लस वी टू का होल स्क्वायर अब इसको सिंपलीफाई और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए और सिंपलीफाई आप इसको करोगे तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं यहां से हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू देखिए कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहो तो क्या आ रहा है देखिए से v2 कॉमन आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है v2 कॉमन आ रहा है तो v2 कॉमन ले लोगे तो क्योंकि स्क्वायर है तो v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास हमारे पास बचेगा l1 v2 वी टू माइनस एल टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए यहाँ से v1 कॉमन आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है v1 कॉमन आ रहा है तो v1 कॉमन आ रहा है तो क्या बच जाएगा यहाँ पे v1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे वही बच जाएगा दैट इज l2 v1 minus l1 v2 का होल स्क्वायर आप चाहो तो माइनस साइन कॉमन ले लो क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे तो v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ रहा है v1 स्क्वायर स्क्वायर तो देखिए दो दोनों सेम है एल वन वी एल वन वी टू माइनस एल टू वी वन का होल स्क्न माइनस एल वन वी टू का होल स्क् कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर में तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ से दैट इज इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो क्या मिल रहा है, मिल रहा है हमको एल वन वी टू माइनस एल टू वी वन का होल स्क्वायर इन वी वन स्क्वायर या यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या था यहाँ पे वी वन था कॉमन तो क्या बच रहा हमारे, पे? रह हमारे पास वी टू माइनस वी वन स्क्वायर आप कह सकते हो वी वन स्क्स वी टू पास कॉमन बच रहा है डिवाइडेड बाय क्या आ रहा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू का होल तो, तो कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ से दैट इज स्क्वायर से आप बाहर कर सकते हैं इसको तो दैट इज एल वन वी टू माइनस एल टू वी वन अब देखो कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है इसमें तो इसलिए हम इसको मॉड के अंदर रख लेते हैं कि कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है तो मॉड के अंदर रखेंगे तो से प्रॉब्लम नहीं होगी बाई वी वन स्क्वायर प्लस वी टू दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स जब मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो इतना होगा तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच